क्या नाम आपका? सलमा। बताइए सलमा जी, क्या हुआ था? और वो क्या नाम है, जैसे सुबह को क्या क्या आए, क्या नाम है, क्या आज दो तीन आदमी आए हैं बातचीत करने को, मैं थोड़ी देर बाद मैंने कहना देख लिया हूँ आए ना आए, तो मैंने कहा अरे आए ना आए, कहने के आप हैं आदमी तो पीछे गली में बैठे हैं, तो कहने लगे मैंने कि अच्छा मैं भी बैठ गई यहाँ पे, वो प्याज काटने लगी कोस वोस पकाने के लिए कि आ रहे हैं तो रोटी वोटी खा लेंगे। अब वो फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे कि यहीं आ रहे हैं, ये बोली कि यहीं आ जाओ यहीं बात कर लेंगे घर पे ही बैठ के। अब घर पे बात वो आए तो दस छः सात तो औरतें ऊपर चली गई और दो एक रह गई नीचे इस पर जीने कर और आदमी भी चले गए ऊपर और ये पता नहीं कि कितने आदमी बाहर रह गए, ये तो हमने देखा नहीं हम वैसे कह रहे। और बस वो बातचीत करने की तेरी मिलोटी ऐसा करे फलाना करे ढमा करे, वो उसकी बहू ऐसे कहे इसकी समझाए, फिर वो लौटे आए एकदम उनके ऐसे खड़े हैं अपनी समझी से बात कर रहे हैं और एकदम क्या नाम आ गए उससे क्या नाम है एजाज से वो करने लगे, एजाज भी कहने लगे वो भी कहने लगे एकदम ही, तो आन के बाहर से आके चिपट गए चिपट गए और चिपट के नहीं आया उन्होंने गिरेवान पकड़ लिया इसका एजाज का। अब ये नहीं देखा हमने कि क्या नाम है क्या मारा है क्या नहीं मारा, ये हमें कोई पता ना है, बस एकदम वो फ्रिज खड़ी फ्रिज बस एकदम ऐसे घुसे हैं ना वो, तो अब ये पता नहीं कि फ्रिज के पास में ये दीवार लगी क्या लगा उनके क्या हमारा, हाँ फ्रिज में घुस गए थे वो, ये फ्रिज इधर पूरा तो ऐसे करके घुसे रहा, तो अभी सड़क के ये दीवार लगी एकदम ही बेहोश हो गए, बस बेहोश जैसे बेहोश हुए ना तो ऐसे हम भाग लिए, बस उनके हाथ और हाथों में लग गए, हमें कोई बात वो ना रही कि हमें फोन भी करना आता ये ना करना, बस ये बात हम उनकी मौत हो गई है, मौत हो गई। क्या बता रहे हैं डॉक्टर कैसे मौत हुई कुछ बताया? वो कह रहे हैं कि इनकी दिमाग की नस पड़ती ये बता रहे उन्होंने। आप क्या चाहते हो आप? क्या चाहेंगे बताओ, अंदर के बाप चला गया क्या चाहेंगे बताओ, अगे ये बस बड़ा लड़की आएगी यहाँ पे तो इनके बच्चों के दिल पे क्या बीतेगी, बात होती तरीके से होती है ऐसे बात होती बात करते हैं, तुम बाहर आदमी लड़के खड़े कर दो और अंदर तुम बात करो और तुम्हारा इशारा मिलते वो लड़के आके चिपट जाओ बाप को, उसकी माँ तो यहाँ प्याज ही काट रही थी क्योंकि नहीं खाना मैं और खाने तैयार कर रहा था, खाना तैयार हो जाएगा तो खाना खाके जाएंगे, उन्हें ये थोड़ी ना पता थी कि ऐसे चले ऐसे उठ के जाएंगे, इस रोड को उन्हें पहले ही भेज दिया कैसे ना हो जाए और समझौता करना चाहते चलो लग भी गई थी तो कहते देखो ये हमारी गलती होगी हमसे लग गई, अभी तुम साथ साथ अस्पताल में भागते तो देखो ये बाद में बात कर लेंगे समझौते की ऐसे वैसे बात हो जाएगी बाद में, पहले हमें वो करना है, वो तो कुछ नहीं रहा तुम अस्पताल भी नहीं गए, आज सुबह तुम कैसे पहुंचे कितने लोगों ने मारा था इन्हें? दो जन आए थे वैसे क्या नाम है पीछे से आ गए थे चार पांच थे बाहर से दरवाजे बताइए, जब मैं यहाँ पर आया था ना तो वो लोग चार जने उनको चिपटे हुए थे उस टाइम पे, जब मैं आया था यहाँ पे थे वो इस कोने पे और आते उनको चिपटे हुए थे गिरे हुए थे वो नीचे, फिर मैं मेरा लड़का हमने उन्हें छुटा के बाहर को कराया तो जैसे फिर हमने खड़ा करा ना तो खड़े नहीं हो पाए, हमने बाहर करके हमारा सारा ध्यान हट गया उन पर लग गया, फिर वो खड़े नहीं हो पाए, यहाँ से हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने सीधा देखते बोला कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, फिर हम हॉस्पिटल लेके गए यहाँ नर्सिंग होम में जो पुलिया के पास नर्सिंग होम है मेहर में, तो उन्होंने देखते ही मना कर दिया कि इन्हें सीधा गुरु तेग हॉस्पिटल ले चलो, फिर हम वहाँ इन्हें हॉस्पिटल गुरु तेग में ले गए सर। क्या मारा था उनके है? क्या मारा था सर उनके हाथ में हद्दा भी था उनके हाथ में और यहाँ पे लगे हुए थे चार जने टूटते हैं इनके सर पर दीवार में मारा सर उनका देखे सर उन्होंने जो कि उनका ऐसा लगे किस वजह से उन्होंने क्या हमला मतलब क्या है इनका मियाँ बीवी का झगड़ा था सर इसकी बीवी थी वो ये इसकी बीवी थी सर मियाँ बीवी का झगड़ा था, उन्हें रात को जिद करी घर जाने की रात को 3 बजे, इन्हें बहुत समझाया कि सुबह चलेंगे वो नहीं माने कि नहीं मुझे जाना है और अभी जाना है, तो इनने क्या करा फिर ले गया मोटरसाइकिल पर डाल के तो उसे उसके घर पर छोड़ आया, मगर घर के अंदर ये नहीं गया बाहर से छोड़ के आ गया, मतलब रात को छोड़ के आया। अब लड़की ने अपने माँ बाप से क्या लगाई क्या नहीं लगाई उन्होंने कहा कि हम पंचायत बुलाएंगे कल ही बुलाएंगे तो उनके यहाँ कुछ रिश्तेदार यहाँ भी रहते हैं, मैंने उनसे जब भी वहाँ पर आए थे
वो कम से कम 25-20 जने आए, ऊपर कमरे में बैठे थे, आगे इधर उनका भाई का कोई रिश्तेदार का घर है, वहाँ बैठे हुए थे सारे जने, बैठे हुए थे यहाँ पे जब मैं आया था, जो उस पैर दरान में बैठे हुए थे। फिर मुझे उनके जो भाई है जो 22 नंबर गली में रहते हैं वो यहाँ मिले थे कोने पे, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था। मैंने उनको जब बोला कि यार ऐसे जवाब तक मैंने कि गर्मी गर्माई में तुम इतनी एक साथ क्यों ले आती जल्दी, मैंने एक दो दिन के बाद लिया था, मैंने आपका फोन करो इन सबको घर ले जाओ वापस, और इतवार के दिन लेकर आना ठंडे दिमाग से, और आदमी समझदार लेना, लुंडे लवंडे लेके मत आना। ये कह के मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ आके क्या देखता हूँ कि वो उनको मार रहे हैं चिपटे पड़े। पुलिस को शिकायत करी आपने? सर उस टाइम पे 16 नंबर पे फोन मेरी बहन ने बाद में करा था, जो कि मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल जाके जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी थी मैंने बोला तब तब, और वहाँ पे पुलिस में वहाँ पे जो 50 नंबर कमरे पे जो लिखवाते हैं वहाँ यही लिखवाया था, हमने सिर्फ इन्हीं चार के नाम लिखवाया जिन्होंने मारा था। बाकी हमने चार में दो तो इसके साले हैं, एक ससुर है, एक और था एक ससुर का बड़ा भैया है। क्या चाहते हो अब आप? साहब हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम चारों को बंद कराना चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, हम चारों को बंद कराने जाते हैं, बाकी और उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो पब्लिक से हम उनसे इंसाफ कराने जाते हैं, हम तुम्हारे वहां से करेंगे, हम चारों को बंद कराना चाहते हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को मैं कल जो है मेरी बहन को आदमी मिल जाएगा, वकील को बुला के एफआईआर लिखवाई तो खराब हो गई, देख आया मैं फोटो कॉपी करा के देख आया मैं, उसकी उन्होंने अभी तक रिसीव नहीं दी सर, पहले बहाना लगा दिया SHO साहब नहीं है, आएंगे 2 घंटे मांगे तब दूंगा, अभी तक नहीं थी उन्होंने, अभी मैं फिर सब वहीं जाने का प्रोग्राम बना रहा था नहीं उनकी रिसीव के लिए, जो कि रिसीव लेते हैं वो सर, और जब आया था बल्कि उन्होंने उनके तो केस 302 का ही बनना चाहिए सर, क्यों? क्योंकि मुझसे कह कह के बोल लेते वो कि इसको जान से मार के जाएंगे, जान से मार के जाएंगे ऐसे करके बोल लेते, और बाहर में ये कह रहे थे कि ही केस बनना चाहिए सालों कुछ ना हुआ, गाड़ी रख रहे थे उन्होंने वहाँ बहने को। और जब उनकी डेथ भी हो गई ना सर, उसके बाद ही हमने 16 नंबर पे दोबारा फिर फोन करी है 15 तारीख को। क्या नाम है आपका? फरमान। फरमान बताइए क्या हुआ था और ये कब की घटना थी? ये 12 तारीख की दोपहर की, जब हमारे ससुराल वाले आए थे हमारे पापा में एकदम आटे के साथ ही लिपट गए, उन्हें मारा था, तो उस चक्कर में वो तभी उन्होंने हाथ पैर वैसे कर दिए ढीले, अस्पताल लेना पड़ा, तो फिर उन्होंने 15 तारीख को दम तोड़ दिया। कितने लोग आए थे, किस लिए झगड़ा हुआ था? आए तो 30-35 थे, लेकिन वो एकदम 4-5 जने लिपटे उनके अंदर आ गए। क्या मारा था उनके? उनका जैसे दीवार में सिर पकड़ा नहीं मारा था, उस चक्कर में उनके दिमाग की नस फट गई। पुलिस को आपने शिकायत करी? क्या कह रही है पुलिस? जब भी कर दी थी कंप्लेंट तो 12 तारीख को भी करी थी, जब से अब फिर रोज जाते हैं। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है इंक्वायरी होगी होगी, वही कहती रहती।